A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, One Step Towards Uniform. मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम करेंगे Committee of Constitution of Assembly Drafting Committee Indian Polity Constitution. देखिए ये सभी चीजों के इंपॉर्टेंट है, CDS, NDA, FCAT और ये हमारे इंडियन पॉलिटी क्रैश कोर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. चलिए फटाफट आगे शुरू करते हैं. देखिए पहला है कि देखिए सबसे पहले तो ये वाला जो लेक्चर है इसमें रटने का बहुत है, इसमें फैक्ट फाइल बहुत है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इससे सीधे सीधे जवाब आ जाते हैं. देखिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था 1949 में, जब इनिशियली हमारा पहला एक कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उसके कुछ पार्ट लागू हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशन के सारा नहीं हुआ था, तो उसमें रेटिफाई कर दी गई थी कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप कि हमें कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप नहीं चाहिए. कॉमनवेल्थ क्या होता है, आपने कॉमनवेल्थ गेम देखे होंगे, तो कॉमनवेल्थ गेम में जो ब्रिटिश के द्वारा रूल करे हुए देश हैं वो एक साथ एक गेम में पार्ट लेते हैं. तब खाली गेम्स नहीं थे, खाली कॉमनवेल्थ थे, और तब इंडिया ने डिसाइड किया कि अंग्रेजों की ली हुई कोई भी चीज हम कैसा हम नहीं बनेंगे. ठीक, उसके बाद हमारे देश में कई और चीजें हुई जिसके साथ इसको आपको क्रॉनिकल ऑर्डर में याद करना है कि ये कब कौन सी चीज पहले हुई. पहले हुआ नेशनल फ्लैग 1947 में आया, आजादी के टाइम ही. आप सोच सकते हैं जब आजादी देश आजाद हुआ तो उनको कोई सिंबलाइज करने के लिए कुछ चाहिए था ना, तो उन्होंने पहले फ्लैग आजाद किया. फिर नेशनल एंथम 1950 में आया और फिर नेशनल सॉन्ग 1950 में आया. ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नेशनल एंथम लिखा और बंकिम चट्टोपाध्याय जी ने नेशनल सॉन्ग लिखा. सो जो नेशनल सॉन्ग है वो हमारे बंकिम चंद चटर्जी ने लिखा, सॉरी मेरी जीव लड़खड़ा गई. और हमारे उसके बाद जो राजेंद्र प्रसाद थे हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए 24 जनवरी 1950 में. और उसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 11 सेशन के बाद 11 महीने 18 दिन मतलब ऑलमोस्ट 3 साल हो गए थे, 3 साल हो गए थे, यहाँ पर 2 साल और लिखा है, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन में मतलब करीबन 3 साल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था. और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन मदद बनाने के लिए 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ऐड किया और ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में कॉन्स्टिट्यूशन को 114 दिन लग गए. एक्सपेंडिचर जो इसमें लगा वो था 64 लाख, ठीक है, उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ी राशि है और ये इसके ऊपर विवाद भी हुआ आगे, हम बात करते हैं आगे. फिर जनवरी 24, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फाइनल सेशन हुआ, जिसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बंद नहीं करी गई बट एक प्रोविजनल पार्लियामेंट बना दी गई, मतलब कुछ समय के लिए एक ये एक पार्लियामेंट फॉर्म में काम करेगी. कब तक, जब तक 26 जनवरी 1950 तक एक नई पार्लियामेंट नई फॉर्म हो जाती है जनरल इलेक्शन के 51 से 52 के. ठीक है, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, अब इसमें कुछ अपॉइंटमेंट किए गए, कुछ कमेटी बनाई गई, क्योंकि इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कुछ मदद भी चाहिए थी, कुछ फॉर्मेशन चाहिए थी, कुछ डाटा भी कलेक्ट करना था और उन चीज़ों के बारे में बात भी करनी थी. तो हमने यूनियन पावर कमेटी मतलब ये जो 8 कमीशन है ये वाली, यहाँ तक इनको याद करना जरूरी है कि इनमें इनके हेड कौन थे और ये डायरेक्ट फॉर्म में आते हैं. देखिए यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाई गई, मतलब जवाहरलाल नेहरू उसके हेड थे. फिर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वो भी जवाहरलाल नेहरू, मतलब इन दोनों के जवाहरलाल नेहरू ही थे. प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल, ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये तो आपको पता ही होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फादर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है. फिर आखिरी है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल ऑफ ट्राइब्स एंड माइनॉरिटीज ट्राइबल एंड एक्सक्लूड एरिया, सरदार पटेल के अंदर था. तो 2 सरदार पटेल के अंदर, 2 जवाहरलाल नेहरू के अंदर और 1 बी आर अम्बेडकर जी के अंदर. अब इस 5th वाले के अंदर सब कमिटीज थी, वो थी फंडामेंटल राइट ऑफ सब कमिटीज इज कॉल्ड जे बी कृपलानी, इनका नाम आपने सुना होगा. माइनॉरिटी एंड सब कमेटी ये थे एच सी मुखर्जी और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया वो थे सब कमेटी गोपीनाथ बरदोली. और एक्सक्लूड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया थे अदर देन दोज इन असम सब कमेटी ए वी ठाकर. देखिए ये वाला याद होना हो बट आपको बाकी के ऊपर के याद करने बहुत जरूरी है. चलिए आगे चलते हैं. उसके बाद क्या था, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू और स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. जवाहरलाल नेहरू के अंदर अब 3 कमेटी हो गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसके बाद ये हमारी स्टेट्स कमेटी और आखिर में आपको पता लग गया होगा पावर कमेटी. स्टेट्स कमेटी तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू बहुत चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जब उनके स्टेट क्या कहते हैं एक यूनाइट कर रहे थे तब जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ पर एक रोल प्ले किया था. बात वो अलग है कि बाद में सरदार पटेल वहाँ पर इन्वॉल्व हो गए थे बट इनिशियली जो स्टेट का एक नेगोशिएशन ऑफ द स्टेट्स था वो जवाहरलाल नेहरू को करा था और यही वजह है कि जम्मू एंड कश्मीर से जब नेगोशिएशन की बात आई तो जवाहरलाल नेहरू ने नेगोशिएट किया.
ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड तो आपको पता ही है, बट उसके साथ मेंबर थे। इन सातों मेंबर में इनका, इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर को, मैंने पहले ही बात की थी। इन सातों मेंबर में नाम आपको पता हो, अच्छी बात है, इनका नाम तो आपको पता ही होना चाहिए, इन दो का नाम भी पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मतलब क्योंकि चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पर। एन मधुवा राव और टी टी कृष्णमाचारी, ये दोनों रिप्लेस कर दिए गए थे बी एल मित्तर से और डीपी गायतान से, क्योंकि वो दोनों एक की मौत हो गई थी 1948 में और एक ने रिजाइन कर दिया था बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ। तो वी एल मित्तर की जगह आए एन मधुवा राव और टी टी कृष्णाचारी आए डीपी गायतान, जो कि इनकी डेथ हो गई थी 1948 में। अब देखिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिटिसिज्म भी बहुत सारा झेलना पड़ा। फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वॉज पब्लिश इन फरवरी 1948 और जो सेकेंड ड्राफ्ट था वो अक्टूबर 1948 में, बट कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट किया वो 26 नवंबर 1949, पर इसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट अडॉप्ट किए, वो यहाँ आपके सामने लिख रखे हैं। इसमें अभी प्रीएम्बल और 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स अभी बाकी थे। इनका जो आना था वो आना था 26 जनवरी को, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। रिमेनिंग प्रोविजंस, द मेजर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26, 1950। ठीक, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन था, अभी देखिए गिने चुने आर्टिकल थे कि जब देश आजाद हो गया है तो अब कुछ नियम तो चाहिए ना, अब व्यवस्था तो लेकर आनी है ना वहां पर, बिना व्यवस्था बिना कानून के देश पता नहीं कहाँ चलेगा। तो इन बेसिक आर्टिकल्स को लाया गया, इनके नाम आपको याद, देखिए 5, 6, 7, 8, 9 तो यहाँ सेम ही है, उसके बाद हम यहाँ देखिए 391, 392, 393 सेम है, फिर यहाँ पर सिक्वेंस सेम है 379, 380 की, फिर यहाँ पर 1667, तो यहाँ पर जो 324, 379 और 388 है ये याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी आप याद कर सकते हैं एक दो बार पेपर पे लिख के। चलिए आगे चलते हैं। रिपब्लिक डे, तो रिपब्लिक डे जो 26 जनवरी हम बनाते हैं उसकी एक वजह है, पूर्ण स्वराज जो डिक्लेयर किया था वो दिसंबर 1929 में आईएनसी में डिक्लेयर किया था, और आईएनसी में लाहौर सेशन में डिक्लेयर किया था, तो उसके बाद से डिसाइड हुआ कि जब भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाएगा, इसलिए 26 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन डे एज अ चुना हमने। उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, मतलब इंडिपेंडेंस जो 1947 को हमें मिली थी, कमेंसमेंट मतलब लागू हुए इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया बने इसके अकॉर्डिंग, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 उसको रिपेल कर दिया, उसको हटा दिया, और अबॉलिशन ऑफ प्राइवेसी काउंसिल ऑफ ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 जो था उसको हाउएवर कंटिन्यू रखा, कब तक कंटिन्यू रखा, जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं बन गई। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सुप्रीम कोर्ट कब आई, ये तब तक सुप्रीम कोर्ट का काम कर रहा था, मतलब एक एडवाइजरी का काम कर रहा था, उसके बाद इसे हटाकर सुप्रीम कोर्ट ला दी गई। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब क्रिटिसिज्म क्या रहा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, सबसे पहला कहा कि नॉट रिप्रेजेंटेड बॉडी, मतलब ये लोगों के द्वारा इलेक्ट थोड़े आए, ये तो इंडियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कुछ बंदे भेज दिए, इंडियन मुस्लिम लीग ने कुछ बंदे भेज दिए, और उसके बाद प्रिंसली स्टेट ने कुछ बंदे भेज दिए, वो बैठ के एक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना ली और वो अपना ही कानून बना रहे, ठीक है, एक सबसे पहला था वो बात अलग है। मुस्लिम लीग बाद में हट गई थी क्योंकि पाकिस्तान के लिए वो चले गए थे, और प्रिंसली स्टेट इसलिए आ गए थे क्योंकि उन्हें अपना राज्य भी देखना था कैसे कैसे बट रहा है वो। ये एक सॉवरेन बॉडी नहीं है क्योंकि ये जो प्रपोजल था ये तो अंग्रेजों का दिया हुआ था, अंग्रेजों ने डिसीजन लिया कि जाओ तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो। खैर उसके बाद ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत था, 2 साल 11 दिन 18 दिन लगे, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे जैसे मैंने आपको पहले बात की, जबकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन 4 महीने में बन गया था। इसमें सिर्फ एक ही पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि मुस्लिम लीग तो हट गई थी और जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो आते थे पर वो अपनी मजबूरी में आते थे, तो मेजरली एक ही पार्टी थी वहां पर। और इसमें इस पार्टी में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे वो खाली लॉयर और पॉलिटिशियन थे, और किसी सेक्शन की सोसाइटी ने रिप्रेजेंट नहीं करना, डॉक्टर इंजीनियर्स थे फार्मर्स थे कोई नहीं था यहाँ पर। अच्छा ये जितना भी बनाया गया सब हिंदू के द्वारा बनाया गया, इनफैक्ट द लॉर्ड विस्कन सीमन इन्होंने कहा कि ये बॉडी ऑफ हिंदूज है, और विंस्टन चर्चिल ने कहा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंट कर रही है सिर्फ एक मेजर कम्युनिटी को। देखिए ये बात सच है कि इसमें हिंदुओं का बहुत बड़ी संख्या थी, बट आप ये बात इग्नोर नहीं कर सकते कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो बहुत ही सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है और बहुत ही न्यूट्रल है, जिसने सभी लोगों को एक साथ बांध के रखा है। इनफैक्ट उन्होंने ट्राइबल और माइनॉरिटीज और उनकी क्या कहते हैं उनकी राइट्स का भी ध्यान रखा है। इनफैक्ट वुमेन्स को जो आज़ादी मिली मतलब वोट डालने की वो भी अमेरिका में बाद मिली, जबकि इंडिया में 47 में ही मिल चुकी थी। तो आप सोच के देखिए तब हमारे लोगों की जो सोच थी, जो हमारे पूर्वज थे उनकी सोच कितनी ऊपर थी कि देश कैसा होना चाहिए, उनकी सोच कितनी ऊंची थी। दोस्तों ये होता है छोटा सा सेशन था आज हमारा, और इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैं आपसे आशा करता हूँ आपको हमारा सेशन पसंद आया हो।
पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने व्यूज हमें बताएं। कुछ आपको बात अच्छी नहीं लगी तो खाली डिसलाइक का बटन न दबाएं, उसमें नीचे कमेंट्स में लिखें जिससे हम उसे सुधार सकें और आपको एक बेहतर प्रेजेंटेशन दे चुके हैं। और आप अपनी तैयारी सॉलिड रखें, CDA सब आ गया है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।